हाउस में मंत्रिपरिषद की बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बीच में जो टकराव हुआ वो थमता नजर नहीं आया। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम अशोक गहलोत से शिकायत के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संगठन के कामकाज से दूरी बनाने वाले मंत्रियों की शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे, ये कहा गया। गोविंद सिंह डोटासरा शाम तक इस बात की रिपोर्ट सोनिया गांधी को भेज भी देंगे। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में जिस तरह से कांग्रेस अभियान को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बीच में विवाद हुआ था वो राजनीतिक गलियारों में कई तरीके से जाना जा रहा है। दोनों नेताओं की तरफ से एक दूसरे को धमकियां तक दे दी गईं। अब ये पहला मामला नहीं है जब ऐसा हुआ सत्ता और संगठन के बीच में, बल्कि पिछले लंबे समय से अगर देखा जाए तो कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके बीच में कई बार कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। यहाँ तक कि संगठन के कार्यक्रमों से कई मंत्रियों ने लगातार दूरी बनाए रखी है, अभियानों में तक शामिल नहीं हुए मंत्री। सीएम गहलोत के निर्देश और केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान के बाद भी वैक्सीन अभियान से 8 मंत्री दूर रहे। पहले भी महंगाई के खिलाफ जब अभियान छेड़ा गया तो 13 मंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। गोविंद सिंह डोटासरा ने नाराजगी जाहिर की है अपनी, सीएम गहलोत को फोन पर भी उन्होंने शिकायत की है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि कई लोग पीसीसी चीफ की कुर्सी के लिए या उसकी दौड़ में शामिल थे, लेकिन संगठन ने डोटासरा को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी और इसके बाद से ही मंत्रियों में पीसीसी चीफ के प्रति असहयोग की मुहिम चल पड़ी। यहां तक कि गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी पीड़ा जरूर जाहिर की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और धारीवाल जी दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं, कई बार हॉट टॉक्स हो जाती है, लेकिन हॉट टॉक्स अच्छे काम को लेकर थी। वो भी कह रहे थे कि हमें विरोध करना है, फ्री वैक्सीन दिलवानी है, डोटासरा जी ने कहा और धारीवाल जी भी कह रहे थे फ्री वैक्सीन दिलानी है, दोनों की बात एक ही थी और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हॉट टॉक्स हो गई, लेकिन वो बात वहीं ख़त्म हो गई। राजस्थान का हर मंत्री, हर विधायक, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता एक है। उधर राजस्थान में अनलॉक का फेज चल रहा है।